जल ही जीवन है। अब वास्तव में हम लोगों को अपने अपने वर्तमान समय की, अपने परिवार की स्वाभाविक ही चिंता है, लेकिन एक बात और तथ्य है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं करेंगे, हम अपना भला भले कर लें लेकिन आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी चिंता करना ये भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है जितना आज के लिए दायित्व बनता है। पानी एक ऐसा विषय है कि जिसके संकट के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। डराने वाले, कहने वाले, बताने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर हो सकता है और भयावह स्थिति वर्णन की जाती है। प्रभु करे कि ऐसी स्थिति कभी ना बने, लेकिन प्रकृति के साथ हम लोगों को बहुत ज्यादा जूझना नहीं चाहिए, छेड़खानी नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति की गोद में रहकर के प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। पानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत है कि हमारा जीवन इसके ऊपर टिका हुआ है।